जहाँ भी जाओगे दुनिया है नई, पर तेरी नज़रों में तो वही बर्लिन है। ये शहर जिसने इतिहास के पन्ने हैं बदले, आज उसमें हमारी दुनिया है बसी। हाँ तो सामने एक हस्ती आ रही है जिससे पूरे एक साल बाद में मिल रहे हैं, पूरे एक साल बाद। वही है क्या जो देख रहा है यूट्यूब चैनल वाले? या या बिल्कुल वही हूँ, बिल्कुल वही हूँ, बिल्कुल वही हूँ। ट्रेन के सामने खड़ा था, उन्हें इसके आगे नहीं जाना। एक छोटा सा ब्रेक विद मिस्टर विशाल, कॉफी ब्रेक। और ये आपका कॉफी है मिस्टर राकेश? ये मेरा कॉफी है और यहाँ से लिया है मैक्सवे कॉफी। और पीछे हमारी जो बिल्डिंग है वो है राइसेनटाग बिल्डिंग, जो पार्लियामेंट ऑफ द बर्लिन, यहाँ की पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट देखने जा रहे हैं, कुछ सजेशन देंगे यहाँ के गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट मैन ऑफ इंडिया की तरह ना बनाए, कम से कम चार्जिंग पॉइंट तो रखें, चार्जिंग पॉइंट तो रखें और इंडियन टी स्टॉल रखें। यस, हम कॉफी नहीं पी सकते। अभी हम बर्लिन के एक इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर है, जहाँ पे ना इंडियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा खाना मिला वहाँ पे। और बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ द जर्मनी और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट हमेशा फुल रहता है। ये भैया हैं जिनका होटल है, काफी अच्छा, मतलब बर्लिन के अंदर काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वेलकम टू अमृत। अमृत रेस्टोरेंट नाम है। ये देखिए हर टाइम हाउसफुल, मोर देन 500 पीपल हियर, मोर देन 500 हियर ऑलवेज। इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द जर्मनी, बर्लिन। संभव मेहता, ये रहे विशाल। तो अभी हम स्टार्ट करने हैं बर्लिन को विजिट करना। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, सबसे पहले आपको दिखाएंगे संभव मेहता। ये फोटो से इतना कम रहता है, सेलिब्रिटी बनने का मौका नहीं मिलता। हाँ, फर्स्ट जगह हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? अरे मेरे को जर्मन नाम याद नहीं रहते, आप बताओ। पहला विजिट हमारा जो है टियर गार्डन में है। टियर गार्डन, टियर गार्डन जिसको संग्रहालय भी बोलते हैं, जू बोलते हैं जिसको अपने इंडिया में। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसका नाम अभी जर्मन में नहीं। राइसेनटाग ब्रांडनबुर्ग टूर, जो ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी को अलग करता है। फिर वहाँ पे जाने वाले हैं और फिर हम लोगों को टाइम मिलेगा तो हमारे एक दोस्त आने वाले हैं जो जर्मन है, मार्क लेकर के हमारा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, वो भी आज हमको विजिट करने वाला है। तो एक क्लिप उसके साथ में भी आएगी, एक बजे का अपॉइंटमेंट है, टाइम है उसके साथ में। फिर हम लोग इवनिंग में, आजकल हम लोग आपको एक बात बताना भूल गए कि हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे। आफ्टर सिक्स मंथ वी एट इंडियन फूड इन जर्मनी, आफ्टर सिक्स मंथ वी हैड इंडियन फूड एंड देयर वाज रियली प्लेजर। और वहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, बर्लिन जो यहाँ की कैपिटल मानी जाती है और वर्ल्ड की थर्ड पॉपुलस सिटी है। सबसे अच्छी बात बताने वाली यह है कि उस रेस्टोरेंट में इंडियन से ज्यादा जर्मन थे। हम तीन इंडियन, बाकी सारे जर्मन, मतलब 500 लोग थे तो 497 लोग यूरोपियन, मतलब नॉट ओनली जर्मन, और हम तीन लोग इंडियन। देख लो कितना अपना इंडिया का फूड, प्राउड टू बी एन इंडियन। फूड को पसंद किया जाता है और हमारा फिर यही है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। तो राकेश, क्योंकि हम खाना खाते करते बिजनेस प्लान बता रहा था कि कैसा हो कि इंडियन रेस्टोरेंट डाल दो, आप अपने कमेंट में डालिएगा अपने जो भी थॉट्स हैं वो। ओके, देन डायरेक्ट हम मिलते हैं ब्रांडन टूर पे। तो हम लोग आ चुके हैं, जिसको राइस टाग
फोन जर्मनी बोलते हैं, जर्मन की पार्लियामेंट है, सारे नेता लोग यहीं पे बैठते हैं यहाँ के, और यहीं से इनकी पार्लियामेंट स्टार्ट होती है। 1884 में इसका काम स्टार्ट हुआ था एंड 1894 में ख़त्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं विक्ट्री कॉलम, जो आपको बिल्कुल हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। ये विक्ट्री कॉलम है जो 1864 में बनाया गया था, हेनरिक स्टार्ट के द्वारा बनाया गया था। परसुआ करके कोई स्टेट हुआ करता था उसकी विक्ट्री में, और 1873 में इसको रिनोवेट किया था। और ये काफ़ी बड़ा है, जो इसके ऊपर आपको दिख रही है गोल्डन कलर में, वो सिंबल नहीं है, ये रोमानियन गोडेस है जो पूरा गोल्डन बना हुआ है। 8 मीटर हाइट है इसकी, और जो नीचे बेस आपको दिख रहा होगा बेस, वो 18 मीटर है, वो पूरा रेडिश कलर का है, स्टोन में बना हुआ है। इसकी टोटल हाइट पूरी 67 मीटर के करीब है, और हम आपको इसको बिल्कुल पास से ले जाके दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग वहाँ जाके आपको मिलेंगे, बिल्कुल उसमें पास में से जाते हैं, जो एक टनल से होके जाना पड़ता है, दिखाते हैं वो भी। ये इसका रास्ता है, विशाल जी हमको गाइड करते हुए। ये देखिए पूरा अंडरग्राउंड है, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, मुंबई की तरह लग रहा है, लगता है मुंबई की तरह लग रहा है। और राजबेरी गेट से एक टनल, अगर नंदू मेरे को देख रहा है, बॉम्बे से नंदू करके है कोई, तो याद होगा राजबेरी गेट के अंदर ऐसा ही कुछ सीन था ना, जो दूसरी रोड पे निकलती है रोड। किधर से है यार, चारों तरफ रास्ते हैं, कौन से रास्ते, इधर इससे जाएं, इससे जाएं, इससे पक्का, हमने गाइड हायर किया है, मजाक कर रहा हूँ। और अभी जो सामने सीढ़ियां दिख रही है, वहां से बाहर निकलेंगे। अरे हाय फ्रेंड्स, सामने देखा है ये कॉलेज विक्ट्री आ चुका है, तो सीधा हम इसमें एंटर करने वाले हैं। ओके कर दो पॉज। सिंबल ऑफ री यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी माना जाता है, पीछे आप देख पा रहे होंगे। हाँ पूरा नहीं आ रहा, रुको आपको मैं बैक कमरा करके दिखा देता हूँ। हाँ तो विशाल जी थोड़ा सा बताइए गेट के बारे में, जितने भी हिस्ट्री आपको पता है, पहले तो देख लीजिए गेट को। हाँ अब बताएंगे थोड़ा सा। हाँ ये सिंबल ऑफ री यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, जो ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट को अलग करता है। फाइनली मैं मेरे फ्रेंड मार्क से मिल चुका हूँ बर्लिन के अंदर। मार्क एंड ही हेल्प देयर लॉट बाय टिकट्स एंड मोर, बहुत हेल्प किया बर्लिन के अंदर, काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे एंड फाइनली आज मिल सका। रियली एंजॉयिंग इन द नाइट एंड आई हैव बर्लिन नाइट, दिस इज रियली ब्यूटीफुल सिटी एंड आई हैव वी हैव
our friend, local friend Mark, he's from Berlin. हमारे साथ में मार्क है जो ऐसा लग रहा है बिल्कुल इंडियन है हमारे जैसा बिल्कुल मतलब दो साल से जानता हूँ ऐसा पूरा घुल मिल गया पूरा एंजॉय कर रहे हैं रात को अभी देखना आपको दिखाता हूँ एंड बर्लिन सॉरी बर्लिन नहीं मार्क आगे आगे चल रहे हैं और मार्क हमको पूरा गाइड कर रहा है पूरे बर्लिन का मतलब शाम से लेकर अभी तक हमको घुमा रहा है नाइट तक हर एक सीट मतलब एक गलत कंसेप्शन था दिमाग में कि जर्मन वाले इतने फ्रेंडली होते नहीं हैं और आज हाँ फर्स्ट मीटिंग में बट हमारी बात होती थी मार्क से एक साल से बट पहली बार हम मिले हैं लेकिन ही बिकम सो मच फ्रेंडली एंड बहुत सारी मदद करी है इसने और हमको सब कुछ ठीक करा रहा है आगे आगे मेरा ही दोस्त है संभव उसके साथ चल रहा है संभव भी पहली बार मिल रहा है लेकिन कितने सारे कितने दोस्त हो गए हैं मतलब कितने अच्छे दोस्त हो गए हैं यू कैन सी या सॉरी Mafi. And bitte. Please. तो फ्रेंड्स अभी हम बर्लिन कैथेड्रल जो यहाँ का सबसे बड़ा चर्च है जैसे कि आप पीछे की बिल्डिंग देख पा रहे हैं पूरी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर भी है और इसकी जो लेंथ है वो 97 मीटर से ज़्यादा है और विड्थ है वो 127 के आसपास इसकी है अच्छी खासी चहल पहल लग रहा है कि अब की बार सेंट्रल यूरोप में आ गए हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ओनली 8 यूरो के अंदर घूम सकते हैं आसपास की जगह जैसे कि बर्लिन कैथेड्रल हो गया बर्लिन वॉल हो गई जिसको मावर वॉल के नाम से जानते हैं आसपास की जगह ब्रांडन टूर जिसको बोलते हैं ओनली आप 110 करके बस है जिसको आप ले सकते हैं पूरे डे की टिकट है 8 यूरो के आसपास 8.30 यूरो की तो आप वो लेके पूरे दिन में सारी जगह देख सकते हैं यहाँ पे आसपास में 10-12 जगह हैं देखने के लिए तो उस 8 यूरो के अंदर आप देख सकते हैं जो काफ़ी रीजनेबल है और पूरे दिन के अंदर है वो हो जाती है कवर और पूरा का पूरा जो वन होप है यहाँ का वन होप जिसको मैन रेलवे स्टेशन बोलते हैं उसके आसपास 6 से 7 किलोमीटर के एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर इतने से एरिया में ये सारी की सारी जगह आ जाएंगी तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम मावर वॉल पे तो वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं वहाँ का वॉल जो काफ़ी फेमस है थैंक यू तो हेलो फ्रेंड्स तो ये आज की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है बर्लिन वॉल वैसे तो इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है लेकिन पूरा एक व्लॉग बन सकता है 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये है जो 13 अगस्त 1961 को इसका निर्माण है वो स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन और ये जो दीवार है ये बर्लिन का ईस्ट पार्ट और बाकी के हिस्सों को अलग करने के लिए GDR जो यहाँ की गवर्नमेंट थी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो पार्टी थी उसने बनाई थी 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी दीवार है वो बनाई गई थी और 1989 तक आते आते 136 के करीब लोगों ने अपनी जान है वो गवा बैठे थे इसको पार करने के लिए मार दिए गए थे और 1989 को आखिरकार इस दीवार को अलग करके जो इनका कोल्ड वार है वो ख़त्म हो गया था तो इसकी ये छोटी सी हिस्ट्री है वो अपने आगे वाले ब्लॉग में शायद बर्लिन में दोबारा फिर से आऊँ तो पूरा ब्लॉग इसी दीवार पर बनाया जाएगा जिसमें से कैसे स्टार्ट हुई वार और 1945 तक कैसे क्या हुआ वो सब आपको बताऊँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग